हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। वो इसमें देखिए, आयरन के तावे जो होते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब पराठा वगैरह ऑयल वाला चीज़ बनाते हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और बहुत इसको साफ़ करने में मेहनत भी लगते हैं। कितने तो ईंटे वगैरह से भी साफ़ करते हैं, लेकिन इसका देखिए, मैं एक पेपर से बता रही हूँ, इसको दो मिनट में आप साफ़ कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने देखिए, ये रेस पेपर बोलते हैं, जिससे कि इसमें गेट वगैरह रगड़ा जाता है, उसको क्लीन करने के लिए इस पेपर से ही। पेपर थोड़ा खुदरा टाइप का होते हैं, इसको आपको हार्डवेयर दुकान में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और इसको आप दो मिनट, इसकी मदद से दो मिनट में आप इसको साफ़ कर सकते हो। कितने भी गंदे ये तावा रहे, ये तो फिर आप गंदे कोई भी कढ़ाई वगैरह रहे, तो उसको आप साफ़ कर सकते हो। मैंने इसमें देखिए दो चार बूंद पानी डाली हूँ और मैंने इसमें डिश वॉश डाली हूँ दो बूंद जैसा। ये तो इसमें जिससे आप बर्तन साफ़ करते हो उसको डाल दें एक दो बूंद, लिक्विड है तो, और नहीं तो साबुन से थोड़ी सी साबुन डाल के उसको आप इसको रगड़ दें दो मिनट में। और इसको देखिए, ऐसे ही आपको ना तो ईंटे की ना तो चम्मच की बहुत चीज़ों से, लेडीज़ को इसमें क्या होता है, तावा जब साफ़ करते हैं आयरन वाले, तो उसको बहुत सारे चीज़ों से इसमें रगड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत। देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, एक दो सेकेंड में ये कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और देखिए दो मिनट के अंदर ये कितने अच्छे से क्लीन हो गए, एकदम साफ़ हो गए हैं। इसको साफ़ करने के बाद इसको थोड़ी सी गर्म कर दें, क्योंकि इसमें आयरन है, पानी आने के बाद ये थोड़ी ख़राब होने, तो इसमें कलर आ जाते हैं, रेड कलर आ जाएंगे पानी अगर ठीक से उसको आप तरह से सुखा दें, फिर भी वो रेड हो जाएंगे। और अगर गर्म करके रख दीजिएगा तो आराम से आप रख सकते हो, एक हफ्ता 15 दिन कुछ भी नहीं होंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे, इसका कलर ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। और देखिए पहले ये तावा कैसे था, उसके बाद इसको धोने के बाद इसका कलर देखिए कितने अच्छे आ गए हैं, एकदम क्लीन हो गए हैं फ्रेंड्स। और ये ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट में ही पूरा क्लीन हो गए हैं। ये ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। मैंने यहाँ गैस स्टोव के ऊपर इसको चढ़ा दी हूँ, देखिए ये 1-2 सेकेंड में ही पानी इसका एब्जॉर्ब कर लिया, आराम से ये इसको आप रख सकते हो, महीनों तक रख सकते हो, ख़राब नहीं होंगे तावे। आप कभी भी किसी तरह भी रख दो फ्रेंड, कभी भी इसको फिर से यूज करें तो ये देखिए क्लीन का क्लीन ही रहेंगे। तो इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।